दैस आपने इंस्टाग्राम पर ये वायरल सॉन्ग सुना होगा नादा परिंदे घर आजा इस पर यूजर्स ने अपनी वीडियोस बनाकर वीडियोस को सिंक करके सॉन्ग पर सभी यूजर्स के जो वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा वायरल हैं इंस्टाग्राम पर तो यदि आप भी चाहते हैं रील्स अपलोड करते हैं कि आपका वीडियो भी ऐसे ही वायरल हो इस वायरल सॉन्ग पर ऐड करके अपनी वीडियोज़ और जानते नहीं हैं कैसे वीडियोज़ को ऐड किया जाता है तो इस वीडियो में मैं यही बताऊँगी बिना एडिटिंग आप एक मिनट में ये वीडियो कैसे बना सकते हैं तो वीडियो में तक बने रहें ट्यूटोरियल छोटा सा है सिंपल सा है और एंड में मुझे फीडबैक जरूर देना है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं सो so चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो गैस इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है अगर आप बिल्कुल वैसा ही वीडियो बनाना चाहते हैं जैसे आपने प्रीव्यू में देखा है तो आपने देखा होगा फर्स्ट पहले वीडियो आता है वीडियो के बाद जैसे एक म्यूज़िक आता है एक स्पेसिफ़िक म्यूज़िक आता है वहाँ पर एक ब्लैक स्क्रीन आती है पहले Okay, उसके बाद अदर वीडियोस आते हैं तो ब्लैक स्क्रीन कैसे आएगी पहले वो जान लेते हैं इसके लिए गैस आपको वी एन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी अब ये मत सोचिएगा कि वी एन एप्लीकेशन मैंने आपको कहा था कि विदाउट एडिटिंग वीडियो बनाना है तो एडिटिंग नहीं करनी है उसमें आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है वी एन एप्लीकेशन ओपन करेंगे और नहीं है आपके पास तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपको ब्लैक स्क्रीन ऐड करनी है तो अगर ब्लैक स्क्रीन ऐड नहीं करनी है उसकी जगह वीडियो बनाना है तो तो आपको वी एन ऐप की ज़रूरत नहीं है आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम से ही बना सकते हैं जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ फिलहाल आप ये स्टेप सीखें अगर आपको ब्लैक स्क्रीन जिसको ऐड करनी है उसके लिए ये मैं सिखा रही ओके यहाँ पर नीचे प्लस आइकॉन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करना है देन न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ओके यहाँ से गैस आप कोई भी एक फोटो ले लें कोई भी ले ले इसमें आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि आपको क्या लेना है जो आपकी मर्जी हो वो आप फ़ोटो ले सकते हैं रैंडम जैसे कि मैं ये ले लेती हूँ कुछ भी ले लेती हूँ ओके यहाँ पे ये ले लिया अभी मैंने ये फ़ोटो इसलिए लिया है क्योंकि हमें यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन ऐड करने के लिए पहले कोई ना कोई फ़ोटो इम्पोर्ट करना पड़ता है उसके बाद हम यहाँ पर वी एन एडिटर में कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ मटेरियल के ऊपर क्लिक करेंगे ओके ये ब्लैक स्क्रीन यहाँ से मिल जाती है उसको ऐड कर लें और अब जो फ़ोटो हमने रैंडम लिया था उसको हम डिलीट कर लेंगे इसका कोई काम नहीं है और यहाँ पर इस तरह का डिफ़ॉल्ट क्लिप मिलेगा ये आप डिलीट कर लीजिएगा एंड ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके नाइन पॉइंट सिक्सटीन के रेशियो सेलेक्ट कर लीजिएगा रेशियो नहीं भी सेलेक्ट करेंगे तो भी चलेगा बट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे हम इतना ही करेंगे ज़्यादा नहीं मतलब रैंडम आप कितना भी कर सकते थोड़ा सा या ज़्यादा सा क्योंकि इंस्टाग्राम जो अब हम वीडियो बनाएंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट टिम हो जाती है यानी कि एडिटिंग हो जाती है इंस्टाग्राम पे बाय डिफ़ॉल्ट जैसा कि मैंने आपको कहा विदाउट एडिटिंग वीडियो बनेगा बस रैंडम आप यहाँ से इंक्रीज़ कर लें और यहाँ से आपको ऊपर राइट हैंड कोना से फॉरवर्ड कर लेना है हम नाउ गैस आपको सेव टू एल्बम कर लेना है यहाँ से एंड ये जो ब्लैक स्क्रीन है आपकी फ़ोन गैलरी में सेव हो जाती है यहाँ से गैस एग्जिट कर लें और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर ब्लैक स्क्रीन आपको चाहिए तो ही आप ये प्रोसेस करिएगा अगर नहीं चाहिए उसकी जगह आप वीडियो ही ऐड करना चाहते हैं तो अब आगे जो मैं बताने वाली हूँ वहाँ से आपको स्टार्ट करना है ओके पहले गैस आपको सिंपली क्या करना है इस वीडियो के नीचे मैं आपको रील लिंक दूंगी आपको उस लिंक को ओपन करना है जैसे आप उस लिंक को ओपन करेंगे आप इंस्टाग्राम के इस वीडियो पर जाएंगे वही वीडियो जो हमने अभी प्रीव्यू में आपको दिखाया था ओके ये आप देख सकते पहले वीडियो आया फिर ब्लैक स्क्रीन आई और उसके बाद वीडियोस, तो यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करना आपको यहाँ लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर यूज टैंपलेट का ऑप्शन मिलेगा और इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करेंगे आप इस इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस यूज़र ने कितने वीडियोज़ सेंग करे हुए हैं और कितने कितनी, -कितनी ड्यूरेशन के साथ करे हुए हैं वो सारी ड्यूरेशन यहाँ पर आपको शो होगी और आप जिस भी लेंथ में अपना वीडियो लेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ट्रिम हो जाते हैं अपने वीडियोस ऐड हो जाते हैं बिना किसी एडिटिंग के बिना म्यूज़िक ऐड करें बिना ड्यूरेशन सेट करें यहाँ पर ऐड हो जाती है तो इसी मैंने ब्लैक स्क्रीन फ़ोन गैलरी में सेव करवाई थी कि हम फोन गैलरी से वीडियोज़ लेंगे ब्लैक स्क्रीन लेंगे और हमारा वीडियो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा तो गैस अब हम क्या करेंगे यहां पर देख लेते हैं हैं कितनी वीडियोस हमें करने आपको पर ऐड ऐड करने हैं नीचे मीडिया के ऊपर आपको क्लिक करना है अब अपनी फोन गैलरी में आप आ जाते हैं यहाँ से आपको वीडियोस को ऐड कर लेना है ध्यान रहे गाइज आपको एक वीडियो सेलेक्ट करना है उसके बाद अगर आप ब्लैक स्क्रीन ऐड करना चाहें तो जो आपने वी से अपनी फोन गैलरी में सेव करा था सेकेंड बार आपको उसको सेलेक्ट करना है एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको कैसे जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो ये सेलेक्ट करा और उसके बाद आप क्या करेंगे जो आपने अभी आ, सेव करा था उसको आप लेंगे तो जैसे कि ये ब्लैक स्क्रीन मैंने सेव करा था इसको मैंने ले लिया इस बात आप कोई से भी वीडियो अपने सेलेक्ट कर सकते हैं तो मैं कर लेती हूँ ओके okay, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेने हैं नीचे राइट हैंड कॉर्नर से आपको नेक्स्ट कर लेना है ओके okay, आ जाते हैं इस इंटरफेस पर यहाँ पर गैस आपको अपना रिजल्ट वीडियो देख लेना है कि आपका वीडियो बिल्कुल वैसा ही बनता है या नहीं क्योंकि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सब ट्रिमिंग हो जाती है जैसा कि मैंने आपको बताया था और आप देख लें आपका वीडियो कैसा बना है रिजल्ट वीडियो देख लेने के बाद आपको नीचे अगेन राइट हैंड कॉर्नर से नेक्स्ट कर लेना है ओके एंड यहाँ से इंस्टाग्राम फीचर्स यूज़ कर सकते हैं ऊपर आप देख सकते हैं आपको स्टिकर फिल्टर टेक्स्ट ऐड करने के लिए मिलता है तो आप करना चाहें कर सकते हैं देन आपको अगेन नीचे से राइटिंग right कर लेना है ओके okay, एंड इस तरह से आपका जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छे से बन जाता है इंस्टाग्राम से ही आप डायरेक्टली ये वीडियो बना सकते हैं यहाँ पर कैप्शन ऐड करें एंड एज अ रील वीडियो को यहाँ से शेयर कर सकते हैं ओके okay? तो गैज यहाँ पर वीडियो मैंने इसलिए नहीं दिखाया नहीं सुनाया क्योंकि म्यूज़िक के कॉपी राइट इशूज़ होते हैं तो ये आपको समझना है ओके okay? सो so, कैसा लगा है दोस्तों आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर एंड इसी तरह की ट्रेंडिंग रील से रिलेटेड नोटिफिकेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक Yes, ha till then. Bye bye and take care.